हाँ, मुझे अक्सर सर्दी जुकाम रहता है और मैं इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेता रहता हूँ। जब मेरा बुखार ठीक हो जाता है तो मैं एंटीबायोटिक्स बंद कर देती हूँ। पहले के बच्चे एंटीबायोटिक्स अगर मेरे घर में होते हैं और कोई बीमार पड़ता है तो मैं उन्हें दे देती हूँ। जब हमारे बच्चे को डायरिया होता है तो अक्सर डॉक्टर एंटीबायोटिक लेते हैं, हम वही देते हैं ज्यादातर। एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने के हम सबके अपने अपने तरीके हैं, और इसे जानकारी की कमी समझिए या फिर हमारी मनमानी, लेकिन उसका नतीजा ये है कि एंटीबायोटिक्स जो कि एक समय पर इन्फेक्शन के खिलाफ बहुत ताकतवर साबित होते थे, आज धीरे धीरे अपना असर खोते जा रहे हैं, और इसे मेडिकल भाषा में हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आइए देखें आप किन जरूरी बातों का ध्यान रख सकते हैं। सर्दी, जुकाम या बच्चों में होने वाला डायरिया, ये आमतौर पर वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं। इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कोई फायदा नहीं करता, बल्कि रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। अपना डॉक्टर खुद ना बने और ना ही गूगल गुरु की सलाह मानकर एंटीबायोटिक्स शुरू करें। बिना वजह घर में एंटीबायोटिक्स ना रखें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक्स ना दें। एंटीबायोटिक्स को पूरी डोज में लें और एक बार शुरू करने पर कोर्स खत्म करें, बीच में ना छोड़ें। आइए इस सप्ताह हम प्रतिज्ञा लें कि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करेंगे और सबको ऐसा करने की सलाह देंगे।